वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाए के थान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज संडे, संडे को फंडे बनाते हो, थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे और पूरे सप्ताह के अंदर जो आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की है उसको एक ओवरव्यू के तरीके से, एक नहीं सरसरीरी नजर से देखेंगे, ताकि काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज हो सके और काफी कुछ आप लोग याद भी रख सके चीजें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेशन काफी प्यारा रहेगा, आप लोगों से जो पढ़ाया पूरे वीक में क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो इसलिए क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। ये मत बोलना कि सर पढ़ा नहीं है, क्योंकि पढ़ा चुका हूं, ऐसा बोल ही नहीं सकते आप लोग, ठीक है। तो ये पूरे वीक के अंदर जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग संडे में, तो इसलिए संडे स्पेशल इसका नाम रखा गया, जो आप में से ही एक बच्चे के द्वारा सजेस्ट किया गया था। तो ये जो डिस्कशन है हमारा, इसमें हम लोग कवर करेंगे काफी सारी चीजें, तो एक तरीके से आप लोगों का जल्दी से एक रिविजन होगा प्यारा सा, और वीक के अंदर अगर एक रिविजन हो जाता है तो लंबे समय तक आप लोग चीजें फिर याद भी रख पाते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, पर लेकिन बात यही है कि जो भी क्वेश्चन पूछूं उनके आंसर आप लोग को जरूर देने हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस पर्टिकुलर लेक्चर की कोई पीडीएफ नहीं होती है, क्योंकि वही सारी चीजें जो पूरे वीक में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसका रीजन है, तो यहां पर इसलिए इसकी पीडीएफ का कोई मतलब बनता नहीं है। डबल डबल आप लोगों के पास में चीजें पहुंचेगी, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आप लोगों के रिवीजन की वीडियो बनाई थी ना वहां पर, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों की जो ईयर वाली वीडियो बनाई थी, कई सारे बच्चे उसकी पीडीएफ मांग रहे हैं अभी, ठीक है यार। वो जो वीडियो है, वो जो ऑलरेडी मंथली आप लोगों की वीडियो बना रखी है, उसी में से निकाली गई है, ठीक है। तो इसलिए उसकी पीडीएफ का कोई मतलब ही नहीं है, जो मंथली पीडीएफ आप लोगों को दे रखी है वो सारी पढ़ लो, वो सारी चीजें उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इसी तरीके से इसकी भी कोई पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अच्छे से सुनिएगा, बस रिविजन करना है फटाफट तरीके से। बात की जा रही है यूएसए के ऑफिसर्स के द्वारा अभी विजिट किया गया लैटिन अमेरिका के अंदर में, और यहां पर फोकस किया गया कि बुलेट, यहां पर बुलेट बैक बेटर, ये B3 वाला जो कॉन्सेप्ट था यहां पर, इसके ऊपर फोकस किया गया। ये याद रखिएगा आप लोग, ये B3 वाला जो इनिशिएटिव था यहां पर, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा 2021 में। तो उस टाइम पर इनके द्वारा ये चीजें स्टार्ट इसलिए की गई थी क्योंकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको ये टैकल करना चाहते थे। तो उसी के चलते जहां जहां चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहां पर ऑल्टरनेटिव ये प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि चाइना के इन्वेस्टमेंट से यहां पर बच सके। और इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, लेबर के बारे में, सोसाइटल एक सेफगार्ड के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, फाइनेंसिंग के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, एंटी करप्शन के बारे में, यानी कि बहुत सारे ऐसे एरिया जिसे वातावरण हो गया, ठीक है। एक तरीके से जो मजदूर है उनके बारे में बातें की जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बनाने की कोशिश करेंगे, फाइनेंस, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी ग्लोबल लेवल पर। तो ये बातें मैंने आप लोगों से की थी। यहां पर अगर बात करें तो क्लाइमेट, हेल्थ, डिजिटल और जेंडर इक्विटी के बारे में भी यहां पर बात की गई थी। यो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था चाइना का, 2013 में स्टार्ट किया गया था, लगभग 750 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की इनके द्वारा बात की गई 2013 से लेकर 20 तक का, और इनके द्वारा काफी इन्वेस्टमेंट किया भी जा रहा है। यहां पर बहुत बड़े पोर्शन आप लोग देखते हैं यहां पर, जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, कोलंबो के अंदर पोर्ट हो गया, पर लेकिन सबसे बुरी कंडीशन क्या है यहां पर, जो भी इसका पार्ट बना वो यहां पर झेल गया, क्यों? क्योंकि इनके द्वारा वहां पर डेट क्राइसिस में फंस गए बेसिकली। वहां पर डेट क्राइसिस मतलब सामने वाले को इतना लोन दे दिया ताकि लोन लेने के लिए भी उसको फिर से लोन चुकाने के लिए भी फिर से लोन उसको लेना पड़ा, तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट, यहां पर हम लोगों ने बात की थी कावेरी रिवर के बारे में, तो मैंने कावेरी रिवर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताई थी कि कहां पे है ये। बेसिकली तमिलनाडु के अंदर में ये पोनी रिवर के नाम से जाना जाता है, कई बार इसको साउथ गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी और कावेरी में कई बार कॉन्फ्लिक्ट रहता है कौन सी साउथ की गंगा है, तो ये बेसिकली देखेगा आप लोग। अगर बात करें तो ब्रह्मगिरी हिल से ये निकल के आती है वेस्टर्न घाट में, और यहां पर कर्नाटक तमिलनाडु से होते हुए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी पुदुचेरी, ये बे बंगाल में जाकर यहां पर गिर जाती है। ये कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है, रटना नहीं है, एक बार को सरसरीरी सी नजर में निकाल लेना। पर इंपॉर्टेंट यहां पर है मेकादातु प्रोजेक्ट, जो काफी ज्यादा न्यूज में रहा रिसेंटली, अभी ये कावेरी रिवर के ऊपर ही आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। बेंगलुरु सिटी को यहां पर पानी पहुंचाने की बात की गई थी इस प्रोजेक्ट के थ्रू, पर लेकिन तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट जो है काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। कावेरी वार के बारे में पहले बताया कि 2018 में अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसने बोला कि यहां पर जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी को कितना कितना पानी मिलना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। तो सबसे ज्यादा मिलेगा तमिलनाडु को, फिर मिलेगा कर्नाटक को, फिर मिलेगा केरला को, और फिर मिलेगा पुदुचेरी को। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि पता होनी चाहिए आप लोगों को, तो इसी के बारे में यहां पर ये चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। तो यहां पर कावेरी जो रिवर है ये वोटर डिस्प्यूट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दी। बेसिकली अगर बात करें तो राज्य होंगे यहां पर तीन और एक यूनियन टेरिटरी होगी, ये मैंने आप लोगों को बताई दिया। और ये चीजें आज की नहीं है, ये जो चीजें स्टार्ट की गई थी लगभग 150 साल पुरानी है, अंग्रेजों के द्वारा रायता यहां पर फैलाया गया था, तो उस टाइम पर मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो तब से ये चीजें हैं कि यहाँ पानी को कैसे बांटना है। तो कई सारे लोग ये बोलते हैं कि जैसे चाइना बोलता है कि ये वाली बाउंड्री थी तो मैं तो उसी बाउंड्री को मानूंगा, तो ऐसी ऐसी कई बार हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो बेसिक पर्पज इसका ये रहता है कि किस तरीके से हम लोगों को चीजों को लेकर चलना है ताकि शांति बनाई जा सके, ठीक है। क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, जब वोटर डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे रखी है एक आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। तो वो आर्टिकल कौन सा है जिसके थ्रू यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर अगर डिस्प्यूट होता है यहाँ पर दो राज्य के बीच में,
और उससे ज्यादा के बीच में, तो वो उसको डिसाइड करता है। तो ये आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछ ले आते हैं। वैसे रिवर के बारे में थोड़ा सा और आप लोग जानना चाहते हैं तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं कावेरी रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिर जाती है। तो बेसिक मैप भी आप लोग देखा कीजिए ताकि लंबे समय तक चीजों को याद आप लोग रख पाए, ओके। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी साइक्लोन के बारे में, तो याद होगा साइक्लोन गुलाब के बारे में बात की थी। साइक्लोन गुलाब जो था ये आप लोगों को कहां पर देखने को मिला, तो ये आप लोगों को देखने को मिला बे ऑफ बंगाल में। ऐसा ही एक साइक्लोन आप लोगों को शाहीन कहां पर देखने को मिला, ये अरेबियन सी में देखने को मिला। गुलाब का जो नाम था वो किसके द्वारा दिया गया, पाकिस्तान के द्वारा दिया गया। शाहीन का जो नाम था किसके द्वारा दिया गया, ये कतर के द्वारा दिया गया। तो इसको गरुड़ा, गरुड़ा देखा होगा ना जो पक्षी है, उसका नाम बेसिकली रखा गया। तो यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में ये आप लोगों को देखने को मिला। तो कई बार आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं कि किसके द्वारा ये नाम दिया गया, तो इस तरह क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। जो भी इस तरीके का जो नाम होता है उसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोग ना कई बार मैच करने के लिए बोल दिया इस कंट्री के द्वारा दिया गया नाम, ये कई सारी स्टेटमेंट में देकर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, तो आप लोग अगर क्लियर रहेंगे माइंड में तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। तो इसलिए इसके बारे में याद रखेगा। साइक्लोन के बारे में अगर बात करूं, हमारी कंट्री में दो पीरियड में देखने को मिलते हैं साइक्लोन नॉर्मली अगर बोला जाए, ठीक है। एक तो मार्च से लेकर मई में देखने को मिलेगा और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, यानी कि जो मानसून हमारे देश में आता है वो कब से कब तक आता है उसके बारे में आप लोगों को बताइए। जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर जो बेसिकली आप लोगों को मानसून देखने को मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर उससे पहले और उससे बाद में हमारी कंट्री में साइक्लोन आने के चांसेस रहते हैं। तो जून और सेप्टेम्बर के महीने में भी कई बार देखे जाते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो कि आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अभी हमारी कंट्री में कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई, तो बोला गया 50,000 रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। एक्स ग्रेशिया एक तरीके की हेल्प आप लोग बोल सकते हैं, वॉलेंटरी, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, तो ये देने की बात की गई। तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया हाँ ये प्रोवाइड कराएंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली इसको मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा रिकमेंड किया गया, को जो पैसा है यहाँ पर ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से निकालकर लाया जाएगा। तो एक्स ग्रेशिया देने की बात की, हर एक उस पर्सन को जो कि कोविड 19 के ड्यूरेशन में डेथ हुई है, जिस दिन से पहला केस आया था उस दिन से लेकर अब तक का जब तक यहां पर चीजें चल रही तब तक का पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा 50,000 रुपए। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से पैसा निकाला जाएगा, तो इसके बारे में याद रखना। हमारी कंट्री में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उससे निकालकर इसको लेकर आया गया और 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 148 के अंदर आता है वो बेसिकली यहां पर इसके साथ में डील करता है। वैसे होम मिनिस्ट्री भी यहां पर इसको ओवरव्यू देती है, पर लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन यहां पर ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ग्रांट इन एड की कैटेगरी में होता है। ग्रांट इन एड कौन सा होता है, हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 275 है, ये बोलता है ग्रांट इन एड के बारे में। आर्टिकल 266 किसके बारे में बोलता है, ये बेसिकली बोलता है किसके बारे में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। 267 किसके बारे में बोलता है, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहां पर जो नॉर्मल राज्य उनको 75% देगा बेसिकली यहां पर सेंटर, और जो ऐसे राज्य हैं पहाड़ी वाले इलाके और स्पेशल राज्य हैं वहां पर आप लोगों को 90% यहां पर देगा सेंटर। तो ये बातें हैं, तो कहीं पर फ्लड आ गया, अर्थक्वेक, बाढ़, सुनामी, कोई भी ऐसी कंडीशन बन गई, तो इमीडिएटली 10% तो आप लोग यहां से डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में जो कि आप लोगों को आइडिया रखना है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने आप लोगों से यहां पर डिस्कस किया था ये था बेसिकली किसके बारे में, इंस्पायर के बारे में। तो मैंने आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि क्या है यहाँ पर ये, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में कई सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो हमारी कंट्री में भी इसरो के द्वारा यहाँ पर ये प्रोग्राम की बात की गई। तो इंस्पायर के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये सैटेलाइट प्रोग्राम जो है हमारी कंट्री में ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में थे, और ऐसा नहीं है कि एक ही सीरीज में यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर इंस्पायर 1 से लेकर 7 तक का बेसिकली पूरे प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे से स्मॉल सैटेलाइट है यहाँ पर ये जो कि काफी हेल्प प्रोवाइड कराने की बात करेंगे स्पेस में जब जाएंगे, तो यहाँ पर तो कई सारे चीजों में एनालिसिस करने की हेल्प इनके द्वारा की जाएगी। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू यहाँ पर इसको छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी पीएसएलवी के बारे में बताया था आप लोगों को, 4 स्टेज होती है इसमें, 2 लिक्विड और 2 आप लोगों को ठोस देखने को मिलेगी यानी कि सोलिड। तो पहली और जो 3rd स्टेज होती है वो सोलिड रहती है और 2nd और 4th रहती है वो लिक्विड रहती है, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने ये भी बताई थी कि यहाँ पर नीचे अर्थ देखने को मिलेगा, फिर आप लोगों को ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपोज, स्ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोपोज, ओजोन लेयर और मेसोस्फीयर और आयनोस्फीयर। तो यहाँ पर याद रखिएगा ओजोन लेयर जो होती है ट्रोपोस्फीयर और इसी के साथ में स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। इसी के साथ में कर्मन लाइन के बारे में मैंने बात की थी, तो यहाँ पर 100 किलोमीटर से बाहर जाएंगे तो कर्मन लाइन स्टार्ट हो जाती है, उससे बोलते हैं कि बेसिकली क्या स्पेस स्टार्ट हो गया है। तो ये भी रिसेंटली अभी न्यूज में था, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर भी आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो कई सारी बातें डिस्कस की थी।
नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की सिटीजनशिप के लिए जो स्कीम चलाई गई कि जवानों को तो पता नहीं, पर हाँ जो एक तरीके से सिटीजन है अगर उसको जॉब चाहिए तो उसके लिए हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी, उनकी जो कई बार दुर्गति होती नजर आती है उसको रोकने के लिए। तो ये स्कीम यहाँ पर चलाई गई, तो इसको बोला गया सीनियर एबल्ड सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो यहाँ पर ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा स्टार्ट किया गया कि अगर कोई ऐसा सीनियर सिटीजन है जो कि एबल है जॉब करने के लिए, उसको जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी लाएगी ताकि बुढ़ापा ठीक से बीतने लगे। 10 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए गए यहाँ पर एक तरीके से ताकि चीजों को आगे लेकर चला सके। 2 करोड़ पर रुपए पर के पर ईयर के हिसाब से तो 5 साल तक ये स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा भी डिक्लेयर किया गया यहां पर, याद रखेगा, डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। तो 2021 से लेकर 2030 तक का यहां पर यह है जिसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आप लोगों से बात की थी एनटीपीसी के बारे में। तो एनटीपीसी यहाँ पर बात कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ये सब्सिडी है एनटीपीसी इनके नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की, इनके द्वारा ग्रीन टर्म पर यहाँ पर लोन की बात की जा रही है। तो मैंने आप लोगों से यहाँ पर बात की बेसिकली ग्रीन लोन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात नहीं की है, ग्रीन बॉन्ड डायरेक्टली पैसा ले जाता है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में। ग्रीन लोन जो रहता है वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ पर इसी पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। तो ग्रीन लोन जो है यहाँ पर ये बेसिकली फाइनेंस है, इंपावर करता है एक तरीके से बिजनेस टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट जो एक तरीके से एनवायरमेंट पर इंपैक्ट डाले, या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर की गई, तो एनटीपीसी यहाँ पर इस एरिया में काम कर रही है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात की थी हम लोगों ने नेक्स्ट में, ये है डीजी संरक्षण डीजी सक्षम के बारे में, संरक्षण सक्षम, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा मिलकर स्टार्ट किया गया। तो ये डीजी सक्षम जो है यहाँ पर याद रखेगा, यहाँ पर यूनियन लेबर मिनिस्टर और इसी के साथ में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिलकर काम किया गया इसके लिए, डीजी सक्षम आप लोगों के सामने आया। तो यहाँ पर रूरल और अर्बन एरिया में यहाँ पर बेसिकली लोगों की हेल्प करने की बात की गई स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर इनके द्वारा बात की गई कि मोर देन 3 लाख जो यूथ हैं इन फर्स्ट ईयर यहाँ पर ये बेसिकली हेल्प करेंगे, और एक तरीके से जो जॉब सीकर है, जो जॉब देखने वाले हैं, जो जॉब लेने वाले हैं, उनको बेसिकली ये प्रोवाइड कराएंगे चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज थी बेसिकली। इसी के साथ में COVID-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई है, तो उसको भी ये हेल्प करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है आगा खान रूरल सपोर्ट जो प्रोग्राम इंडिया, उसके द्वारा यहाँ पर ये, तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी नेशनल केयर सर्विस पोर्टल के थ्रू, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर चीजें हैं कुछ बेसिक, ओके। क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड, ये थोड़ा सा डिटेल में बातें की थी मैंने आप लोगों से। बेसिकली वन वर्ल्ड यानी कि एक दुनिया है, क्योंकि सूरज भी एक ही है, तो हाँ सूरज एक है तो उसी से यहाँ पर सोलर एनर्जी निकल कर आती है, तो क्यों ना सारी सोलर एनर्जी को हम लोग कनेक्ट करें। जिस कंट्री में ज्यादा सोलर एनर्जी है क्यों ना वो दूसरे देश को बेचे यहाँ पर। तो ये इंडिया और यूके के द्वारा मिलकर प्रोग्राम की बात की जा रही है कि ये प्रोग्राम बेसिकली लॉन्च किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो अभी यूके के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रही है उसमें, तो ये 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक यहाँ पर चलने वाली है स्कॉटलैंड के अंदर में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है याद रखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है यहाँ पर, इसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली द सन नेवर सेट ये बोला गया कि जब अभी यहाँ पर सन छिप गया हमारे देश के अंदर अगर, तो यहाँ पर यूएसए में वो सन आप लोगों को निकलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं सूरज हमेशा है, तो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी हम लोग हमेशा बेसिकली जनरेट कर सकते हैं, ये बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि सोलर एनर्जी हमेशा आप लोग को देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आज सोलर एनर्जी नहीं है कल सोलर एनर्जी है यहाँ पर, एक तरीके से लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर अभी हमारे यहाँ पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को सूरज निकलता हुआ नजर आएगा। पृथ्वी घूमती है आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी में सारी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे कॉमन सेंस का है, हालांकि आप लोग आंसर दे दोगे। जो दिन और रात होते हैं वो सूरज के चारों ओर घूमती है पृथ्वी उसकी वजह से होते हैं, या फिर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसकी वजह से होते हैं? चलिए देखता हूँ कौन आंसर देता है। हालांकि बच्चों वाला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ रखी होगी ऐसा चीजें, फिर भी चलो कई सारे बच्चे देखे ऐसी चीजें देख जो अभी नए नए देखना स्टार्ट किए, तो उनको नहीं पता होती है चीजें। तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे आंसर आएंगे, आप लोग वहां पर देख लेना। ऐसा नहीं है कि सब माँ के पेट से सीख कर आए, आप लोग भी सीख सकते हैं आराम से। तो इसलिए कभी भी इन चीजों को लेकर टेंशन मत ले लीजिए यार, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो यहाँ से सीखे हैं वो रेगुलर यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो सीख रहे हैं, तो आप लोग भी सीख सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर ये इनिशिएटिव के बारे में बात की है, तो यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली कि 3 फेज में चीजें स्टार्ट की जा रही है। पहले फेज में एशिया के लिए था ये बेसिकली, दूसरे फेज में अफ्रीका के लिए, और फिर यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट किया गया यहाँ पर जिसको बेसिकली बोला गया यहाँ पर क्या था इसका नाम, एक मिनट, वन वर्ल्ड था वन सन और वन ग्रिड, ठीक है। वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्च किया गया, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो
ओवरव्यू ले रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं, ताकि आप लोग जो है रिवीजन आप लोगों का फटाफट हो सके, ठीक है। तो बाकी का आप लोगों को पता ही है चीजें, रेगुलर वाली वीडियो के तरीके से बनाऊंगा तो ये वीडियो 6 घंटे की हो जाएगी, तो उस तरीके से नहीं करते हैं, तो ओवरव्यू यहां पर लेते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं बेड पर पॉपुलेशन, हमारी कंट्री में 1 लाख जो अगर पॉपुलेशन है तो उसके हिस्से में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 24 बेड आते हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि कम से कम 500 बेड आने चाहिए, तो उसकी वैसे दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। नीति आयोग के द्वारा अभी यहां पर बात की गई कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं देश के अंदर में उनको देखा जाएगा कैसे उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया, पहले को बोला गया स्मॉल हॉस्पिटल, दूसरे को बोला गया मीडियम, तीसरे को बोला गया लार्ज। स्मॉल हॉस्पिटल का मतलब यह कि जिसके अंदर 200 से कम बेड की फैसिलिटी है उसको स्मॉल बोला गया, 200 से लेकर 300 के बीच में उसको मीडियम बोला गया, और 300 से ज्यादा बेड है उसको हम लोगों ने लार्ज बोला। पर लेकिन 62% यानी कि 62% जो हॉस्पिटल है हमारे देश में वो बेसिकली स्मॉल की कैटेगरी में आए, तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में था, तो इसके बारे में हम लोग को याद रखना है। तो यहां पर ये बेसिकली नीति आयोग के द्वारा बोला गया यहां पर ये, तो बेस्ट प्रैक्टिस इन परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो ये इनके द्वारा यहां पर स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर जो बात की गई है, एक नई स्पीसीज यहां पर पाई गई है जिसको बोला गया ब्लाइंड इल, यानी कि यहां पर ये एक बेसिकली पकड़ नहीं रहा है इसको, पता नहीं कुछ इश्यू हो गया, चलो देखता हूँ आगे आ जाएगा, अभी तक चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ इसको शर्मा आगे एक सेकेंड, चलो देखते हैं अभी आगे आ जाएगा तो देख लेंगे, ठीक है। अभी देखिए आप लोग इसको, तो बोला गया कि नई स्पीसीज यहां पर पाई गई है जिसको ब्लाइंड फ्रेश इल बोला गया, बेसिकली इस तरह का आप लोगों को सांप जैसी आकृति का आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको खोजा किसके द्वारा गया है, तो खोजा गया इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा, हमारी कंट्री में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1916 में बनाया गया था, फ्लोरा एंड फूना, पेड़ पौधे और फूल पत्तियों को बेसिकली यहां पर ये इनके बारे में नॉलेज इकट्ठी करने का काम करता है, और इनको नाम देने का भी काम इसके द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं यहां पर टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो नाम देना टैक्सोनॉमी कहलाता है। इसका हेडक्वार्टर आप लोग कोलकाता के अंदर देखने को मिला, और बेसिकली इसके बारे में बात करें तो नेशनल जूलॉजिकल जो कलेक्शन इसके द्वारा किया जाता है, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू ये काम करता है। अगर बात करें तो रेड बुक जो होती है वो भी इसके द्वारा पब्लिश की जाती है हमारे देश में, और इंटरनेशनल लेवल पर IUCN जो रेड बुक प्रस्तुत करता है उसके बारे में आप लोगों को बताइए। बाकी यहाँ पर डेटा जो इकट्ठा किया जाता है तो एनवायरमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फूना, उसके साथ भी यहाँ पर ये मिलकर काम करता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो महाराष्ट्र के अंदर एक नई जाति अभी ये पाई गई, ओके। आगे अगर बात करें यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर हमारी कंट्री में जो बेसिकली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिला, तो यहाँ पर ये 27 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर तक का जो यहाँ पर समिट हुई उसके बीच में आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इनके द्वारा DSA के बारे में बात की जाएगी, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी अथॉरिटी, तो यहाँ पर ये हमारी कंट्री के देखने को मिलेंगे और उनकी कंट्री के भी, दोनों ने मिलकर बात की कि कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो एक इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है जो कि यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के बारे में याद रखेगा, ये पार्ट है GSOMIA का जिसको बोलते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिला, इंडिया और USA के बीच में 2+2 डायलॉग भी आप लोगों को बताएं जिसमें हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और USA के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आपस में मिलते हैं और चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन है, और GSOMIA 2002 में इंडिया और बेसिकली USA के बीच में साइन किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था अमेरिकन जिसका नाम है यहाँ पर बुम्बली बी, तो ये एक मधुमक्खी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बोला गया कि लगभग आने रिसेंटली अभी लगभग यहाँ पर ये 20 साल में 90% तक ये खत्म हो गई है, तो इसके ऊपर एक स्टडी की गई है, उसके चलते ये काफी ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। जो यहाँ पर ये खत्म हो रखी है इसके रीजन क्या क्या बताया गया, एक तो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन यानी कि जहां पर ये रहती थी वहां पर चीजें दिक्कतें देखने को मिली, क्लाइमेट चेंज आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिला, एक्सपोज हो गए यहाँ पर डिजीज और पेस्ट जो भी यहाँ पर जो जो एक तरीके से जो खाद वगैरह हम लोग उल्टी सीधी चीजें यूज करते हैं तो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं, इसी के साथ में जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस हो गई, ठीक है। कॉम्पिटिशन देखने को मिला नेटिव के साथ में, तो दिक्कतें निकल कर आई। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं यहां पर अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसके द्वारा अभी क्या किया गया है, यहां पर बेसिकली कमांड दी गई है जो मार्स के लिए उसका मिशन है थोड़ी देर के लिए काम ना किया जाए, उसको रोका जाए, क्योंकि मार्स का जो सोलर कंजक्शन देखने को मिल रहा है उसकी वजह से जो इफेक्ट है यहां पर ये इंपैक्ट डाल रहा है, तो यहां पर कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है। मैंने आप लोगों को बताया था नासा के जो प्रोजेक्ट है याद रखिएगा प्रिजर्वेशन, यहां पर परसिवियरेंस है रोवर, क्यूरियोसिटी रोवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर यहां पर, और इनसाइट करके यहां पर बेसिकली ये इनका प्रोजेक्ट है मार्स के लिए। जैसे हमारी कंट्री का कौन सा है तो याद रखना मंगलयान है, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए अपनी कंट्री के प्रोजेक्ट को लेके। USA का भूल जाना एक बार को, अपने देश का मत भूलना, ठीक है, वरना कान पकड़वाएंगे मुर्गा बनाया जाएगा, ठीक है। अपने देश को तैयार कम से कम याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर दुबई के अंदर आप लोगों को एक्सपो देखने को मिला है यहां पर, तो जो
यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा पवेलियन यहाँ पर लॉन्च किया गया, योगा आयुर्वेदा हेरिटेज कल्चर उन सबके बारे में यहाँ पर चीजें बताई गई। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी टोटल 11 थीम है जिनके ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा। तो काफी कुछ इन्वेस्टमेंट और अपनी चीजों का प्रमोशन भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर बात। ये देखो मूडी आदमी चल गया अपने आप ही। ये देखो आते आते इसको भी लग गया, चलना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी है, आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था, ये हेनले लद्दाख के अंदर बेसिकली इसको लोकेटेड किया गया है, जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है, बिल्कुल जैसा माहौल लद्दाख के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है उसी पैटर्न का माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर ये चिली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही माहौल है। ये माना जाता है कि लगभग 365 में से 270 दिन जो है यहाँ पर क्लियर स्काई आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये सामने निकल कर आता है। तो पोल्यूशन फ्री रहता है, तो सारी चीजें आसानी से यहाँ पर दिख जाती है। तो मैंने कई सारी बातें आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस की थी। ऐसा नहीं है, हमारे ही देश में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, लद्दाख, नैनीताल, चाइना, साउथ अफ्रीका, टोक्यो, चिली और इसी के साथ में आप लोगों को मेक्सिको के अंदर भी ऐसी ऑब्जर्वेटरी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बाकी मैंने हिमालयन के बारे में बताया था, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश जो बेसिकली रेंज है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। ये मैंने आप लोगों को मैप भी यहां पर दिखाया था। तो ट्रांस हिमालय और इसी के साथ में जो लद्दाख वाला माउंटेन वाला रीजन था वो ये वाला था, ठीक है। ट्रांस हिमालय तिब्बतन वाला प्लेटू वाला रीजन था जो ये था आप लोगों को इंडिया के अंदर। ट्रांस हिमालय जो यहां पर बेसिकली हिमाचल प्रदेश और यूके वाला रीजन, ये आप लोगों को देखने को मिला। ट्रांस हिमालय सिक्किम वाला रीजन आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिला, ठीक है। बाकी का यहां पर नॉर्थ वेस्ट हिमालय और वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर देखते हैं जो कि मेंशन किए गए हैं। तो बेसिकली हमारे देश में हिमालय का कौन कौन सा रीजन है वो यहां पर मेंशन किया गया था, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बात की जा रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा जल जीवन मिशन जो था ये लॉन्च किया गया। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि कब लॉन्च किया गया, तो 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा कई सारी चीजें थी यहाँ पर रिकमेंड की गई थी कि कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो हमारी कंट्री में बेसिकली क्या है कि 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे यहाँ पर प्रोवाइड कराना है 2024 तक का टैप वाटर के थ्रू। तो यहाँ पर गाँव वाले एरिया में ये काफी हद तक चीजों को प्रोवाइड कराने की बात की गई। और खासकर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक तरीके से शहरों में तो भी टोटी का पानी मिलता है, पर लेकिन गांव में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। तो अब उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, हालांकि कई सारे गांव में पहुंच गया है। आप लोग ये गांव में पहुंचा है नहीं पहुंचा है बताइए जरा, ठीक है। अगर बात करें तो गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी ये एरिया है जहां पर ये टोटी का पानी है, बोला जा रहा है कि 100% हाउस होल्ड को कवर कर चुका है। तो हर घर जल वाली जब बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में क्वेश्चन बने ना बने ये बातें आप लोगों से वैसे भी थोड़ी सी याद रखनी है आप लोगों को। ये जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है पानी समिति के थ्रू, इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है पानी समिति में 10 से लेकर 15 मेंबर रहेंगे, सिर्फ 50% महिलाएं रहेंगी और बच्चे कुचे जो रहेंगे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, आशा ग्रुप और आंगनबाड़ी टीचर, हालांकि ये भी महिलाएं हैं। तो यहां पर इनको बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए ये काम दिया गया है। तो जल जीवन रूरल के साथ में जल जीवन अर्बन भी यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि मैंने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था मलेरिया बीमारी के बारे में। तो मलेरिया की जो डिजीज है वो काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालती हुई नजर आ रही है और खासकर इसमें जो AMR हो गया है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, यानी कि यहां पर एंटी मलेरिया ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि मलेरिया की जो दवाई जो लोगों को दी जाती थी उसके लिए रेजिस्टेंस बॉडी में क्रिएट हो गया है, जिसके चलते इंसान की बॉडी का जो है वो रिएक्शन अजीब निकल कर आ रहा है दवाई के लिए। तो इसके चलते बहुत सारे लोगों की जान और जाने लगी है। तो उसी के बारे में बात की थी मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया की वजह से काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो सिम्टम्स हैं स्किन में आप लोगों को बेसिकली ना ठंडी लगने लगेगी, रैशेस देखने को मिलेंगे, फीवर आने लगेगा, सरदर्द देखने को मिलेगा, जी मचलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, वोमिटिंग आएगी, एक तरीके से कई सारी और दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसको सॉल्यूशन निकालने की बात हम लोगों ने यहाँ पर रखी थी। अच्छा, ये मेल मच्छर की वजह से होता है, फीमेल मच्छर की वजह से होता है, ये आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन से बताता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी एक साइंटिफिक स्टडी के बारे में। तो याद रखिएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर यहाँ पर काम किया गया कि एनवायरमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाएगा कि लैंडस्लाइड कहां पर हो रही है और फ्लड कहां पर आ रहा है, यानी कि कहां पर पत्थर खिसक रहे हैं और कहां पर बेसिकली बाढ़ आ रही है, उसके बारे में इनके द्वारा वार्निंग सिस्टम स्टार्ट किया गया जिसके चलते बताया जाएगा। तो कई सारे एरिया बताए गए कहां कहां पर बेसिकली लैंडस्लाइड होती है। तो आप लोगों को पता है जो हिमालयन वाला रीजन होगा पहाड़ों वाले एरिया में ही लैंडस्लाइड होगी ना, तो वहां पर लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, वेस्टर्न घाट में, तमिलनाडु में, ठीक है, तो इन एरिया में लैंडस्लाइड आप लोगों को होती नजर आएगी। इसी के साथ में कहां पर बाढ़ आ रही है तो आज के डेट में तो ये आप लोगों को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ बिहार, वेस्ट बंगाल, ब्रह्मपुत्र, आसाम, ब्रह्मपुत्र वैली से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और इसी के साथ में केरला और तमिलनाडु के अंदर भी बाढ़ देखने को मिल रही है। तो इन सब मुद्दों को इसलिए बताया जा रहा है ताकि जो लोग हैं थोड़ा सा उनको सतर्क किया जा सके, कोई ऐसी कंडीशन बन रही है तो उनको थोड़ा सा गाइड किया जा सके, हाँ इससे बचा जा सकता है, थोड़ा सा अवेयर किया जा सके, ठीक है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी इलेक्शन सिंबल के बारे में हम लोगों ने बात की, तो इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के लिए यहां पर बन जाता है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में। बेसिकली है क्या बात, बात यहां पर यह है, अगर बात करें इसके बारे में इलेक्शन सिंबल के बारे में, तो हमारी कंट्री में अगर पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन लड़ती है तो उसको सिंबल दिया जाता है। सिंबल देने का पर्पज ये होता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे इलिटरेट है, तो अगर उनको पता चले कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देनी है तो बेसिकली वो सिंबल को देखकर जाकर वोट देते हैं कि अच्छा इसके ऊपर कमल के ऊपर ठप्पा लगाना है, अच्छा हाथ के ऊपर ठप्पा लगाना है, झाड़ू के ऊपर ठप्पा लगाना है, तो उनको ये देखकर पता चलता है किससे, सिंबल से। तो इसके चलते यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट रूल है हमारी कंट्री में 1968 का, उसके द्वारा यहां पर ये सिंबल अलॉट किए जाते हैं। हमारी कंट्री में आर्टिकल 324 है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो कंडक्ट करा सके। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए आप लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ठीक है, उसका सिंबल दे दिया हम लोगों ने बुक, ठीक है, तो पता चला आगे चलकर लड़ाई होगी तो पॉलिटिकल पार्टी टूट गई, तो ये बुक जो है छिन जाएगा यहां पर, आप लोगों को अलग अलग सिंबल मिलेंगे फिर, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे डिसीजन लेता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि इसकी फाइनल अथॉरिटी जो रहेगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगा, इस मैटर में अगर कोई भी डिसीजन देना है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आगे बात करते हैं, मैंने डिस्कस की थी आप लोगों से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, जिसको PIL बोलते हैं। PIL के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यह कि सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि कुछ भी उठाकर लेकर आ जाते हो कि यहां बस PIL है तो चल देंगे, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। तो पर्टिकुलर मुद्दे होने चाहिए, वही PIL यहां पर आनी चाहिए, यानी कि कोई भी PIL यहां पर आती मिलनी चाहिए, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको PIL आप लोग बोलते हैं, यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई लेकर जाता है तो वो ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल के लिए लेकर जाएगा, वो नॉर्मली सोसाइटी के लिए एक तरीके से जाती है, और जिसके लिए कोई केस रहता है खुद भी नहीं जाएगा, कोई और उसके हाफ भी हाफ में, या फिर कोर्ट खुद इसको सुमोटो एक्शन लेता है। सुमोटो मतलब अपने आप से बेसिकली एक्शन लेता हूं यहां पर नजर आता है। तो PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में यहां पर बात की गई है। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही आप लोग इसको लेकर जा सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप लोगों को इसका नहीं देखने को मिलेगा फंडा। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये हमारे संविधान में अगर बात करेंगे तो पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट पर, लेकिन पार्ट 4 के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आर्टिकल 39A के अंदर बेसिकली यहां पर इसको रखा गया है, और ये हम लोगों ने अमेरिका से ली है यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है। तो कई बार आप लोगों से कंफ्यूजन में डालकर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोला तो ये भी जाता है कई बार इसका काफी ज्यादा मिसयूज होता है, पर लेकिन सही है जो भी है, कुछ अवेलेबल है तो वो ना होने से कुछ होना अच्छा है, ठीक है। अभी यहां पर मैंने आप लोगों से जो बात की थी, ये बात की थी अंटार्कटिका वाले रीजन के बारे में। तो अंटार्कटिका जो है ये आप लोग जब मैप में देखेंगे तो अपनी पृथ्वी का जो साउथ वाला पोर्शन है उसको अंटार्कटिका और नॉर्थ वाले पोर्शन को आर्कटिक बोलते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेगा। अभी यहां पर एक वेडल सी है तो उसको बोला गया कि मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया उसको बेसिकली डेजिग्नेटेड कर देना चाहिए ताकि ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें वहां पर देखने को नहीं मिले। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा, इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो इसको बेसिकली अंटार्कटिका वाले ओशन में यहां पर ये चीजें स्टार्ट की जा रही है मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करने की, पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया अगर डिक्लेयर कर दिया गया तो यहां पर ऐसा नहीं कि फिशिंग भी नहीं कर पाएंगे, रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि डज नॉट नेसेसरली एक्सक्लूडेड, तो ऐसा नहीं कि इनको एक्सक्लूड किया जाएगा, ये कंटिन्यू आप लोग रख सकते हैं, पर लेकिन ये कि बहुत उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेंगे आप लोग। तो कमीशन फॉर जो बेसिकली यहां पर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मैरीन लाइफ रिसोर्सेज है ये यहां पर काम करता हुआ ऐसे नजर आता है कई सारे एरिया के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में अगर इसके बारे में मैंने आप लोगों से जैसे बात की थी उस टाइम पर भी, एक तो ये इंडिया के जो मिशन है याद रखेगा भारती मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये आप लोगों यहीं पर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर ये CCAMLR ये 1992 में स्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बाकी ये भी यहां पर प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे इशू हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। आगे चलते हैं, बेसिकली अमेजन के द्वारा बात की जा रही है कि यहां पर एस्ट्रो एक रोबोट निकाल के लेकर आए। अच्छा अंटार्कटिका के बारे में मैंने बता दिया, आर्टिक ओशन में कि हमारे कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप लोग बताइए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बात की थी आप लोगों से एस्ट्रो के बारे में, ASTRO, ठीक है। तो एस्ट्रो बेसिकली एक होम रोबोट है, अगर घर से आप लोग बाहर जाते हैं तो एस्ट्रो को ऑन कर छोड़ जाइए, घर में कोई भी आएगा तो ये उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अब ये अलग बात है पता चला कोई इसको पॉकेट में लेकर डाल के चला गया उठाकर, ठीक है, तो छुपा कर रखना पड़ेगा छोटू को, ठीक है। तो अमेजन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, 24/7 सर्विलेंस आप लोग ये घर की कर सकता है, पर लेकिन दिक्कत ये निकल गया कि सर्विलेंस तो करेगा ये घर की, तो सारा डेटा इकट्ठा करेगा ये, तो एक तरीके से प्राइवेसी के हनन की भी बात की गई। और आप लोगों को मैंने बताया था कि KS पुत्रस्वामी केस के बाद में आर्टिकल
71 में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया, तो उसके चलते आप लोग चीजों को यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर सारी चीजें वैसे चेक करेगा, इवन अगर कोई बाहर का इंसान आता है तो ये फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यहां पर ये भी पहचानेगा कि कौन इंसान घर का है कौन इंसान बाहर का है, ठीक है। तो ये भी यहां पर ये चीजें आप लोग करता हुआ नजर आएगा, तो सारा डेटा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके चलते कई बार कॉन्ट्रोवर्सी भी इसके उधर उधर निकल के आई कि यार ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए नॉर्मली, तो कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी यहां पर इसके नाम पर देखने को मिली। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे बोला तो ये गया था कि अभी यहाँ पर जो आप लोगों को जो एलेक्सा है वो तो यहाँ पर वॉइस ले रहा है, ये तो पूरा ही घर के ऊपर कब्जा जमा लिया, ठीक है। तो वो बातें निकल कर आई। ये यहाँ पर पेंडोरा पेपर लीक के बारे में बात की थी। ये बेसिकली कोई अमीर तबका सोसाइटी का क्या करता है, एक्स्ट्रा रिच बोलते हैं इनको, अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल, देश में पैसा कमाते हैं दुनिया भर का, फिर दूसरे देश में ले जाकर रख देते हैं ताकि जहां पर उनको टैक्स ना पे करना पड़े। तो उसके चलते उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, तो इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली। नॉर्मली कौन से कंट्री होती है यहाँ पर, ये जैसे समोआ हो गया, ठीक है, ब्लिज हो गया, पनामा हो गया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो गया, तो यहाँ पर जाकर ये अपना सारा बेसिकली पैसा रखते हैं क्योंकि यहाँ पर टैक्स हेवन कंट्री इनको बोला जाता है, जिससे टैक्स चोरी का यहाँ पर फायदा इनको मिल जाता है। तो ये चीजें इससे फायदा इनको मिल जाता है, इसके चलते बेसिकली यहाँ पर टैक्स ज्यादा पे नहीं करना पड़ता है, तो इसकी वजह से ये चीजें निकल कर आती है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट मैंने बात की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जिसको अर्बन यानी शहर वाला, तो यहाँ पर अर्बन मिनिस्ट्री इसके लिए काम करेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर आने वाले टाइम में ये बेसिकली हम लोगों ने ओपन डेफिकेशन फ्री के बारे में बात की थी, अभी आने वाले टाइम में ओपन डेफिकेशन प्लस की बात की जा रही है। मैंने आप लोगों को स्वच्छ भारत मिशन ही बताया था, याद रखिएगा, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पांच मुद्दों पर ये फोकस देकर चलता है, और अर्बन वाला जो रहता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर में आता है, और जो रूरल वाला रहता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के अंदर में आता है। देखिए यहाँ पर डिफरेंट हो गया थोड़ा, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोग यहाँ से बन जाएंगे, तो जो डिफरेंट हो जाता है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बड़ी जल्दी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर किसके बारे में बात की थी, हम लोगों ने बात की थी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन के बारे में, तो इसके बारे में डिस्कस किया था मैंने, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो वाटर सप्लाई प्रोवाइड करा जानी है हाउस होल्ड को, पानी का कनेक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट कनेक्शन, ये ठीक है, तो 100% वाटर सप्लाई की बात की गई। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पर चीजों को आगे लाकर जो कि स्टार्टअप है उनको बोला गया कि आगे ला जाए, और इनके मुद्दों पर भी हम लोग काम कर पाएंगे अच्छे से। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा सकता है। हरा भरा, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तेलंगाना के द्वारा एक बेसिकली स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम, जिसमें जो ड्रोन होगा जिसको सीड कॉप्टर बोला गया, ये जो ड्रोन है ऊपर से यहां पर ऐसी बॉल गिराएगा, इन बॉल के अंदर बेसिकली जो बीज रहेंगे जहां पर भी ये जाकर गिरेगी वहां पर पेड़ उग जाएगा, तो ऐसा कुछ यहां पर माहौल बनाने की कोशिश की गई। आंध्र प्रदेश के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था नेवी की हेल्प से, अभी यहां पर तेलंगाना के द्वारा स्टार्ट किया गया। बोला गया कि 1 बिलियन ट्री लगाए जाएंगे 2030 तक का, तो टारगेट काफी अच्छा है, लेकिन कितना अचीव कर पाते हैं वो देखने वाली बात है। जो सीड बोल है यहां पर, तो इनके अंदर आप लोगों को क्ले देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पर कंपोस्ट यानी कि आप लोगों ने एक खाद वगैरह देखने को मिलेगी, यानी कि जहां पर भी ये जाकर गिरे ऐसा ना हो कि यहां पर ये जाते ही गिरते ही खराब हो जाए, तो पता चला यहां पर सही जगह नहीं गिरे तो दिक्कत देखने को मिल रही है। तो बोला गया कि बारिश के टाइम पर नॉर्मली गिराना है, क्योंकि पानी तो इसके साथ में बांधकर कोई भेजेगा नहीं वहां पर, तो इसके चलते थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बारिश के टाइम पर चीजों को प्रोवाइड कराया जाए, तो इसकी वजह से भी यहां पर ये न्यूज में रहा, ठीक है। तो ये स्कीम क्या है, किस लिए यूज की जा रही है, किस तरीके से यूज की जा रही है, चैलेंज क्या है, कहीं गलत जगह पड़ गया, ठीक है, कोई जानवर आया उसने इसको कुचल दिया, ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीज देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहां पर एक अच्छी स्कीम है, पर लेकिन प्रोडक्टिवली कितना यूटिलाइज हम लोग इसको कर पाते हैं वो मुद्दा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर अप्रूवल दे दिया है बैड बैंक को आगे बढ़ाने के लिए, तो यहां पर NARCL, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये जो बनाई जा रही है यहां पर कंपनी, इनके अंदर 51% तो PSU बैंक और 49% जो है दूसरे जो प्राइवेट बैंक है उनका शेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो NPA होता है जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसको रिकवर करने का ये काम करेंगे, जो कि बैंक किसी को लोन देता है वो रिटर्न नहीं आता है उसको हम लोग NPA बोल देते हैं, तो वो यहां पर इनके द्वारा रिकवर करा जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बैंक का बहुत सारा पैसा डूबा हुआ है, उसके बारे में बात की जा रही है। तमिलनाडु के द्वारा यहां पर एक अभी स्टेप उठाया गया है कि जो उनके पुलिस वाले हैं उनको वो पावर देंगे कि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, यानी कि जो इंसान जिसने कुछ उल्टी सीधी हरकतें, मर्डर किसी का, रेप, उल्टी सीधी हरकतें करके भाग गया है, उसका थोपड़ा जो है वो चेक किया जाएगा फोटो में मिलाकर, ताकि वो इंसान को पहचाना जा सके, वो डेटा इकट्ठा किया जाएगा। तो लगभग 3.5-5 लाख के करीब से थोड़ा सा कम यहां पर, यानी कि 5,30,000 के करीब जो फोटो है वो ऑलरेडी सिस्टम के तहत है, जो कि यहां पर बोलते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल जो ट्रैकिंग नेटवर्क है, ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये मैनेज किया जाता है, और ये किसके अंदर आती है, और इसके द्वारा 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, कई बार बता चुका हूं, बताइए उन तीनों रिपोर्ट के नाम क्या है, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, फिर आगे कभी आएगी फिर से न्यूज़ में फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, टेंशन नहीं लिया करते, डिस्कस करता रहूंगा, बस रेगुलर आप लोग बने रहिए,
तो सारी चीजें रिविजन भी होती रहेंगी और डिस्कस भी होती रहेंगी। तो पुलिस अगर डेटा इकट्ठा करेगी यहां पर तो फिर बोलते हैं कि प्राइवेसी का हनन है, वो सारी चीजें वो अपनी जगह है, पर लेकिन मुद्दा जो है वो आप लोग याद रखेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो तमिलनाडु के द्वारा इसके ऊपर काम किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मोर जो है उसने एक इंसान की जान ले ली केरला के अंदर में, उसकी वजह से ये न्यूज में आ गया है। तो केरला के बारे में आप लोगों को, केरला नहीं सॉरी मोर के बारे में आप लोगों को बताया था कि यहां पर इसको बोला क्या गया है, इसको पी फाउल बोला गया है। पी फाउल में दोनों मोर आ जाते हैं, मेल मोर भी और फीमेल मोर भी, ठीक है। तो अगर मेल मोर को बोला जाए तो नॉर्मली आप लोग पिकॉक बोल देते हैं, पर लेकिन अगर फीमेल मोर की बात करें तो इसको पीहन, पीई एच एन, तो ये बेसिकली फीमेल को बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है ये याद रखिएगा, पाओ क्रिस्टस इसका साइंटिफिक नेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली इंडिया श्रीलंका म्यांमार वाले एरिया में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको आप लोग जानते हैं, हमारी कंट्री में बेसिकली अगर बात करें तो आप लोगों को पता है कि नेशनल जो हमारी बर्ड की कैटेगरी में आप लोगों को इसको रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी कंट्री में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके हिसाब से इसको सेव भी किया जाता है। कंसर्न कई सारे हैं केरला में, यहाँ पर कई सारे खेतों को नुकसान भी पहुंचाता है वैसे, पर लेकिन फिर भी देखिए अब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमारी कंट्री का नेशनल जो बेसिकली पक्षी है, तो कोई इसको दिक्कत पहुंचाएगा तो फिर उसको दिक्कत कर देगी गवर्नमेंट, इसके लिए रूल और रेगुलेशन भी है, ठीक है। तो ये है बातें कुछ। बाकी एक और इंपॉर्टेंट यहां पर ये जो न्यूज थी से बोला गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जिसको यूएनडीपी बोला गया, उसने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के साथ मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर यहां पर स्टार्ट किया सेशल्स के लिए। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका फायदा क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में टैक्स से रिलेटेड डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास नहीं है, तो दूसरी कंट्री आकर उसकी हेल्प करेगी उसको डेवलप करने के लिए। इंडिया ने भूटान के लिए भी यहां पर स्टार्ट किया था 2021 में, वहां पर हेल्प की गई थी, ठीक है। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, अब यहां पर सेशल्स के लिए चल रहा है, तो यहां पर काफी ज्यादा फायदा लोकल लेवल पर इन कंट्री को देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डे मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे 4 अक्टूबर, यहां पर बेसिकली फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर यहां पर ये वर्ल्ड जो हैबिटेट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी एक्सेलेटिंग द अर्बन एक्शन फॉर द कार्बन फ्री वर्ल्ड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वर्ल्ड बनाना है, ये बातें यहां पर बोली गई थी। इसके तहत वर्ल्ड एनिमल डे भी हम लोगों ने, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के बारे में बात की थी, तो फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग द पीपल एंड प्लानेट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था एनिमल के वेलफेयर के बारे में, और 4 अक्टूबर को जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी वर्ल्ड टीचर डे के बारे में, तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर बात की जाती है कि जो टीचर है एट द हेड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी कि एजुकेशन में जो टीचर है वो उसका हट है, बिना टीचर के आप लोग एजुकेशन के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए टीचर को आप लोगों को बेसिकली इस तरीके से लेकर चलना है ताकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो दुरुस्त बना रहे, ठीक है। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि नेशनल टीचर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके बारे में आप लोग बताइए। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीजें होती हैं, कई सारे बच्चे नए आते हैं तो उनको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, जो नया नया पढ़ाई स्टार्ट करता है, ठीक है, नया रंग रूट तो सुना होगा आप लोगों ने लोकल भाषा में, ठीक है। तो मिलकर काम करो यार, कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका मजाक मत लिया करो। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, मजाक लेने लगते हैं, ये भी नहीं पता है तुमको, आपका क्या, आपका माँ के पेट से सीख क्या है यार, यहीं पर सीखा है ना सारी चीजें, तो उसको भी सीखने दो बेचारे को। तो एक दूसरे की हेल्प किया करो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, ना कि उसके साथ में उल्टी सीधी बातें करें, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, 8 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में पहली बार एयरफोर्स की फॉर्मेशन कब हुई थी, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन आप लोग बताइए, इसका आंसर दीजिए, बाकी आंसर क्या दीजिए, 1932 दे तो रखा आंसर, ऐसी ऐसी बातें करता हूं मैं भी कभी कभी। आगे बात करते हैं यहाँ पर टच द स्काई विद ग्लोरी, ये मैंने आप लोगों को बताया था, बेसिकली ये भगवत गीता से लिया गया है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, देखिए बेसिकली ये सारी चीजें ना आप लोगों से कई बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की पूछ ली जाती है, ठीक है। एक कॉपरेशन था मेघदूत, वो कब था ये आप लोगों को बताना है, छोड़ूंगा थोड़ी ना, क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। बताइए मेघदूत किसके लिए चलाया गया था, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, बताइए और कब था ये ऑपरेशन। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी बेसिकली वर्ल्ड पोस्टल डे के बारे में, तो इसकी थीम थी इनोवेट टू रिकवर, यानी कि रिकवर करने के लिए आप लोगों को इनोवेट करना पड़ेगा। ये 9 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आज के दिन में आप लोगों को बताया व्हाट्सअप हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, टेलीग्राम हो गए, ट्विटर हो गए, फेसबुक हो गए, तो इनकी वजह से यहाँ पर इन सब चीज़ों की जो एक तरीके से जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म होती जा रही है, यानी कि डिजिटल मीडिया ने इन चीज़ों को खत्म कर दिया है, तो उसकी वजह से सारी चीज़ देखने को मिल रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे था जो मैंने आप लोगों को डिटेल में डिस्कस किया था। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेंटल हेल्थ जो है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया आज के में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके ऊपर काफी फोकस किया, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो डिप्रेशन का शिकार होता है, इरिटेशन रहती है जिंदगी में, तो सुसाइड भी करते हुए नजर आते हैं, तो इसको बेसिकली बोला गया इसके ऊपर फोकस देना है, और मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड यहां पर थीम रखी गई थी। तो अगर आप लोगों के आसपास में कोई रहता है आप लोग भी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं कि मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए वो इंसान जो है वो दिक्कतों में ना पड़ जाए, ठीक है। तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कोई ऐसा पर्सन अगर आप लोगों को देखने को मिलता है तो, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, कोई कंफ्यूजन माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, मतलब देखिए अपनी जगह है पढ़ाई पर, लेकिन ये जरूरी है कि अगर कोई यार दोस्त है ना आपका, उसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है।
और यहाँ पर जो भी पेपर दे रहे हैं उनके लिए अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल माइंड में, ठीक है। बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ में पेपर आप लोगों को देना है, ठीक है, बिल्कुल फ्री माइंड होके। ऐसा नहीं है कुंभ का मेला है, आपकी बार नहीं आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, दुनिया आ रही है, ठीक है। वो प्रेशर के साथ में जाओगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो प्रेशर तो कभी लेना ही नहीं है, ओके। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप लोगों को जाना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कौन कौन देने जा रहा है बताइएगा, कौन कौन नहीं जा रहा है, कौन आगे के लिए तैयारी कर रहा है वो भी बताइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए इसी तरीके से, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठे मिल जाती है। तो इसी तरीके से बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, खुश रहो यार, बिंदास रहो, जितनी लाइफ है ढंग से जी कर जाओ, ना कि इरिटेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।